हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चिनप्रप एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाला है कंप्यूटर साइंस 1 का एक नया चैप्टर जो कि है प्रोग्राम एनालिसिस। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर बहुत ही छोटा और बहुत ही सिंपल है एज़ कम्पेयर टू ऑल द अदर चैप्टर्स। और आज के ये एक सिंगल वीडियो में हम ये पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं और इसका जो पार्ट टू होगा उसके अंदर हम एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो बैक ऑफ द चैप्टर दिए होते हैं वो सारे। और अगर आपको इसके रिलेटेड जो सारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए और अगर आपको इसका क्वेश्चन बैंक वगैरह चाहिए तो वो सारे ही मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर दिए हैं टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से इसे एक्सेस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। पहले तो हमें समझना होगा कि प्रोग्राम एनालिसिस का मतलब क्या है। प्रोग्रामिंग बेसिकली सॉफ्टवेयर का एक कॉन्सेप्ट है जो हम प्लेबैक ऑफ कंप्यूटर जॉब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर पर्सन शुड बी परफेक्ट इन प्रोग्रामिंग। और हम आगे C++ वगैरह में सीखेंगे जिसके अंदर हम प्रोग्रामिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। इसके लिए उसका बेस बनाने के लिए ये जो चैप्टर है प्रोग्राम एनालिसिस वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, अभी हम इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सीखने वाले हैं। पहले तो हमें प्रोग्राम डेवलपमेंट का मतलब समझ में आना चाहिए और ये जो सारे इसका जो प्रोग्रामिंग का यूज़ है वो यहाँ पे दिया है, जैसे कि द रिजल्ट्स ऑफ एनी कंप्यूटर जॉब, प्रिंट आउट, लेआउट रिजल्ट्स, डेटा प्रोसेसिंग एक्सेट्रा। ये सभी के पीछे एक बेसिकली प्रोग्रामिंग टेक्निक यूज़ की जाती है एंड एक्यूरेसी ऑफ प्रोग्रामिंग मेंटेन की जाती है। तो प्रोग्राम डेवलपमेंट इज़ नॉट सो सिंपल, इट रिक्वायर्स नंबर ऑफ सिस्टमैटिक वर्किंग स्टेप्स टू मेक इट ईजी, सिंपल एंड परफेक्ट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रोग्राम डेवलपमेंट के बारे में एक लाइन कही गई है कि ये प्रोग्राम डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ऐसे हलवा नहीं होता, इसके अंदर भी हमें बहुत सिस्टमैटिक नंबर ऑफ स्टेप्स हमें लेने पड़ते हैं ताकि जो कुछ भी एक प्रॉब्लम या फिर कोई भी प्रोग्राम हो उसे हम सिंपल और ईजी बना सकें। और ये चैप्टर में हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल्स के साथ सीखने वाले हैं कि हम किस तरह से प्रोग्राम करते हैं और एक पर्टिकुलर चीज़ को हम बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट से, एस्पेक्ट से किस तरह से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। प्रोग्राम डेवलपमेंट इज़ अ स्किल, इट रिक्वायर्स लॉजिक। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह का लॉजिक की ज़रूरत होती है हमें प्रोग्राम एनालिसिस के लिए। एनी प्रोग्राम विच इज़ कंप्यूटराइज मस्ट बी प्रॉपरली एनालाइज एंड ऑर्गेनाइज। तो कोई भी प्रोग्राम जो हम कंप्यूटराइज करते हैं उसके लिए पहले हमें उसका प्रॉपर एनालिसिस और ऑर्गेनाइजेशन उसका ज़रूरी होता है। इट इज़ ऑलवेज प्लान्ड बिकॉज कंप्यूटर इज़ वेरी प्रेशियस एंड वन कैनॉट अफोर्ड कंप्यूटर बाई एक्सपेरिमेंटली ऑन मेथड्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो फ्रेंड्स, जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं तो हम डायरेक्टली कंप्यूटर के ऊपर इसी तरह से उसे अप्लाई नहीं करते उसे बहुत, क्योंकि हम कंप्यूटर को रिस्क नहीं ले सकते उसे कुछ भी उसके अंदर बग्स वगैरह आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वो ध्यान में रखते हुए हम पर्टिकुलरली वो जो प्रॉब्लम होता है पहले ऐसे पेपर में उसका लॉजिक लिखते हैं, उसका सोल्यूशन लिखते हैं और उसके एनालिसिस करते हैं पहले पेपर पर, फिर उसका फ्लो चार्ट वगैरह बनाते हैं, एल्गोरिदम बनाते हैं, फिर हम उसको कंप्यूटराइज करते हैं। एनी प्रोग्राम विच हैज़ टू बी कन्वर्टेड इन प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम मस्ट बी केयरफुली एनालाइज। फिर हम प्रोग्राम एनालिसिस हम बेसिकली कंसिस्ट किससे करते हैं, फाइंडिंग और डिराइविंग द प्रोसीजरल स्टेप्स इन्वॉल्व इन गेटिंग द सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया है और हम प्रोग्राम एनालिसिस में सीखते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट का हम किस तरह से स्टेप्स में उसका सोल्यूशन किस तरह से फाइंड या फिर डिराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो है एड टू नंबर्स एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। सो फ्रेंड्स, इसके कुछ चार स्टेप्स में इसे हमें कंप्यूटराइज किया है। फॉर एग्जाम्पल, पहला स्टेप है टेक टू नंबर्स सपोज ए एंड बी एस इनपुट। इसके बाद सेकेंड स्टेप है कि हमने वो दो नंबर्स को ऐड किया है। थर्ड स्टेप है कि जो रिजल्ट हमने पाया है वो हमने सी में स्टोर किया है, ए बी के साथ सी कोई वेरिएबल है जिसके अंदर हमने रिजल्ट स्टोर किया है। फोर्थ स्टेप है कि डिस्प्ले वैल्यू ऑफ सी। तो इस तरह से पहले हमने दो नंबर्स को लिए और उन्हें असाइन किए इस तरह से एज इनपुट, फिर हमने दो नंबर्स को ऐड किया, फिर रिजल्ट हमने सी में स्टोर किया और सी के अंदर जो वैल्यू है वो हम बाद में डिस्प्ले कर रहे हैं एज आउटपुट। सो फ्रेंड्स, ये चार स्टेप्स हुए। इसी तरह से हम प्रोग्राम एनालिसिस में सीखने वाले हैं कि कोई भी इस तरह से हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाएगी और उससे हमें इस तरह से स्टेप वाइज में उसका सोल्यूशन लिखना होगा। फर्दर हम देखते हैं कि जो सिंपल प्रॉब्लम्स है वो हम और भी उसका एनालिसिस में मेथड्स कुछ होते हैं वो देख लेते हैं, जैसे फर्स्ट मेथड है फ्लो चार्ट, सेकेंड है एल्गोरिदम और थर्ड है सूडो कोड। सो फ्रेंड्स, ये जो तीन मेथड्स है वो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं प्रोग्राम एनालिसिस में।
सो फ्रेंड्स, इसके पहले जान लेते हैं कि प्रोग्राम डेवलपमेंट क्या होता है। प्रोग्राम बेसिकली होता है इज अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन स्पेसिफिक लैंग्वेज टू टेल द कंप्यूटर टू डू अ जॉब इन अ सीक्वेंस। तो यहाँ पे प्रोग्राम का जो बेसिक डेफिनेशन है वो हमें याद रखना है। बेसिकली प्रोग्राम मतलब लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में, ताकि हम कंप्यूटर को बता सके कि उसे उसका काम क्या है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, तो हम उसी को प्रोग्राम कहते हैं। बेसिकली वो लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। बिफोर राइटिंग अ प्रोग्राम यूजर हैज़ टू डिफाइन अ प्रॉब्लम। तो पहले हमें प्रॉब्लम को डिफाइन करना होगा, तब जाके हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे। प्रॉब्लम इज फर्स्ट एनालाइज, तो प्रॉब्लम को पहले हमें एनालाइज करना होगा ताकि हम उसे अच्छे से डिफाइन कर सके। एक्चुअली प्रॉब्लम सोल्यूशन गेट्स कन्वर्टेड इन टू अ प्रोग्राम। तो जो प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है उसी को हम कन्वर्ट करते हैं प्रोग्राम में। बट फॉर द कन्वर्शन देर इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रामिंग। तो हम प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है उसे जब भी हम प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो वो प्रोसेस को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। प्रोग्रामिंग इज अ प्रोसेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम फॉर स्पेसिफिक प्रॉब्लम। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें प्रोग्रामिंग का जो डेफिनेशन है वो याद रखना है। प्रोग्रामिंग इज अ प्रोसेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोग्राम फॉर अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। Whenever any problem has to be converted into a program, then its procedure has the following steps. तो friends, कोई भी problem को जब भी हमें program में convert करना होता है तो उसके steps क्या हमें follow करने होते हैं वो देख लेते हैं। So friends, इसके steps हैं। First step, problem analysis. Second है design. Third है coding. Fourth है testing. और fifth है documentation. So friends, ये चार पांच steps हैं जो हम problem को convert करते हैं program में तभी हम use करते हैं। और ये जो पांच स्टेप्स हैं उनका डेफिनेशन और एग्जांपल्स हम अभी सीखने वाले हैं इन डिटेल। सो फ्रेंड्स, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि जब हमें प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना होता है प्रोग्राम में तो उसके क्या बेसिक पांच स्टेप्स हैं, तो ये हमें याद रखने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम एनालिसिस से। तो प्रोग्राम एनालिसिस में क्या है कि जब भी हमने कम्प्लीटली डिफाइन किया है प्रॉब्लम को, तभी हमें रिक्वायरमेंट होती है कि उसका हम क्लियर सोल्यूशन लिखे। तो इसके लिए हमें हमेशा एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल, जनरली एवरी प्रॉब्लम नीड्स इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज एंड प्रोसेस। सो फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे इनपुट क्या होता है, बेसिकली इनपुट्स टू बी सप्लाइड फॉर द प्रोग्राम। तो पहले हमें इनपुट्स, वो जो पूरा प्रॉब्लम है उसमें से हमें इनपुट्स फाइंड करने हैं। इसके बाद में आउटपुट्स यानी कि इट मीन्स इन वॉट फॉर्म आउटपुट इज रिक्वायर्ड। जैसे हमें कुछ नंबर के फॉर्मेट में चाहिए, स्टेटमेंट के फॉर्मेट में चाहिए, किसी भी तरह का आउटपुट हो सकता है, न्यूमेरिकल, अल्फाबेटिकल एक्सेट्रा। इट रिप्रेजेंट्स द कंप्यूटर सोल्यूशन टू द गिवन प्रॉब्लम। तो बेसिकली जो सोल्यूशन है हमारा ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, तो वही होता है हमारा आउटपुट। इनपुट्स मतलब जो हम इनपुट दे रहे हैं वो। फिर स्टोरेज यानी कि जब भी जो प्रोसेस चल रहा होता है, सपोज पहले एग्जांपल में जैसे हमने एडिशन का देखा था, तो वहाँ पे हमने एक प्रोसेस करवाया जो कि है एडिशन का। तो वो ऑपरेशन होने के बाद जो इनपुट और आउटपुट, इनपुट से हमने ऑपरेशन करवाया और जो आउटपुट हमें मिला वो हम स्टोर करेंगे। इफ़ आउटपुट इज देयर द सोल्यूशन इज रिक्वायर्ड, यानी कि उसके लिए स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है। उसके लिए ओपी हैज़ टू बी स्टोर्ड इन ओपी, यानी कि आउटपुट होता है, यहाँ पे आउटपुट का शॉर्ट फॉर्म ओपी है। हैज़ टू बी स्टोर इन सम फॉर्म, तो फिर वो जो आउटपुट है उसे इसमें स्टोर भी करना होता है। इनपुट पैरामीटर्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी स्टोर। फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे जो आउटपुट और इनपुट है वो दोनों को हम स्टोर करेंगे, तो उसके लिए हमें स्टोरेज की ज़रूरत होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है प्रोसेस। नाउ द इवेंट्स शुड बी एग्जीक्यूटेड, वॉट इज़ द सीक्वेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है, इसके बाद में हमने इनपुट लिया, आउटपुट के हिसाब से हमने दोनों भी इनपुट आउटपुट को स्टोर किया। इसके बाद प्रोसेस चलेगा, यानी कि बेसिकली हमें कौन सा इवेंट किस तरह से एग्जीक्यूट करना है और उसके सीक्वेंस और स्टेप्स क्या हैं वो सब बाकी हम देखेंगे। इन जनरल एनी प्रॉब्लम हैज़ टू बी एनालाइज्ड। सो फ्रेंड्स, कोई भी प्रॉब्लम होगा पहले हमें उसे एनालाइज करना होगा, इसलिए जो फर्स्ट स्टेप है वो है प्रोग्राम एनालिसिस। दैट प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इन टू सिंपल स्टेप्स लीडिंग टू सोल्यूशन और अ प्रॉब्लम। वी हैव टू मेक अ प्लान ऑफ प्रॉब्लम, सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम इज रिटन। सो फ्रेंड्स, पहले तो हमें जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम दिया होगा उसे पहले एनालाइज करना होगा, उसके प्लान को समझना होगा, किस तरह से हम वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं प्रोग्राम।
सो फ्रेंड्स उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप, वो है डिज़ाइन का। सो फ्रेंड्स पहले जैसे हम कोई भी इंटरफेस देखते हैं तो वहाँ पे हमें पर्टिकुलर डिज़ाइन मिलती है, वैसे वाली डिज़ाइन नहीं है यहाँ पे। डिज़ाइन मतलब एक प्रॉपर प्लानिंग जैसे यहाँ पे दिया है। और इन डिज़ाइन फेज बेसिकली जो सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन प्लान जो होता है, वो छोटे छोटे मॉड्यूल्स के अंदर हम उसे डिवाइड करते हैं और हर एक मॉड्यूल अलग अलग सेपरेटली उसे हम डिज़ाइन करते हैं कि किस तरह से हम उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, कुछ इस तरह से। और समटाइम्स सम डेवलपर्स डिज़ाइन ईजी मॉड्यूल्स एंड द डिज़ाइन द रिमेनिंग मॉड्यूल्स। मतलब पहले तो कुछ डेवलपर्स इस तरह से करते हैं कि ईजी मॉड्यूल्स को पहले डिज़ाइन अप कर लेते हैं और इसके बाद रिमेनिंग मॉड्यूल्स को डिज़ाइन करते हैं। और ये डिज़ाइन का आपको अच्छे से समझ में तब आएगा जब हम इसके रिलेटेड सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे। बेसिकली यहाँ पे सिर्फ टेक्निकल टर्म्स में उसका सिर्फ डेफिनेशन दिया है। ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, मतलब किस तरह से डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है, उसी तरह से हम डिज़ाइनिंग के मेथड्स अवेलेबल होते हैं। प्रोग्रामर्स हम उसमें से चूज़ कर सकते हैं। और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसे हम OOP कहते हैं, और इसमें भी कई सारे डिज़ाइंस होते हैं मौजूद, ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, तो हम वहाँ से भी डिज़ाइन मेथड्स इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हम खुद अपने भी अलग अलग डिज़ाइन मेथड्स क्रिएट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कोडिंग, फिर टेस्टिंग और फिर डॉक्यूमेंटेशन। सो फ्रेंड्स कोडिंग हम बेसिकली जानते हैं, ये प्रोसेस होता है कन्वर्शन ऑफ प्रोग्राम डिज़ाइन इनटू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स जो हमने बेसिकली डिज़ाइन बनाया है एक रफ मॉड्यूल के फॉर्मेट में, सो फ्रेंड्स वो जो पर्टिकुलर प्रोग्राम का डिज़ाइन है उसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। सो फ्रेंड्स इसी को हम बोलते हैं कोडिंग, जो हम डिटेल में भी सीखने वाले हैं C++ वगैरह जैसी चीज़ों में। इसके बाद है टेस्टिंग। कोड जब भी हमने बना लिया, उसके बाद में जो प्रोग्रामर है उसे वो प्रोग्राम को टेस्ट कराने के लिए हमें टेस्टिंग की ज़रूरत होती है, और उसे एग्जीक्यूट वो बराबर से कर रहा है कोड या फिर नहीं, उसके पहले उसी लिए जो एग्जीक्यूशन है उसकी प्रोसेस के लिए वेरीफाई करने के लिए कि बराबर है कि नहीं, उसके लिए हमें टेस्टिंग करना पड़ता है। इफ़ इट इज़ हैविंग एनी प्रॉब्लम या फिर एरर कोई भी है, तो फिर जो यूज़र है उसे देखना होगा, वेरीफाई करना होगा, करेक्ट करना होगा, रेक्टिफाई करना होगा। इसलिए टेस्टिंग के बाद वेरीफिकेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, अगर कोई ग्लिचेस उसके अंदर आ रहे हैं तो। इसके बाद जो फिफ्थ स्टेप है वो है डॉक्यूमेंटेशन। द रिटन इन्फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोग्राम हैज़ टू बी मेंटेन फॉर अ डेवलपर एज वेल एज फॉर अ यूजर इज डॉक्यूमेंट ऑफ अ प्रोग्राम। सो फ्रेंड्स यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऑफ प्रोग्राम क्या है उसका डेफिनेशन हमें याद रखना है। बेसिकली अगर आप कोई भी जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे होगे, तो फ्रेंड्स जब भी हम लैपटॉप नया नया खरीदते हैं तो उसके अंदर कुछ मॉड्यूल्स होते हैं जिसके अंदर हम लिखा होता है लैपटॉप के बारे में जानकारी वगैरह। सो फ्रेंड्स वो जो पर्टिकुलर मैनुअल आपको दिया जाता है, सो फ्रेंड्स वो मैनुअल ही होता है डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि उसके अंदर हम जो यूज़र होते हैं वो हम उसे रेफर कर सकते हैं फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन लैपटॉप के रिलेटेड, और जो डेवलपर होते हैं वो भी हमारे लिए जो ईजी होता है वो लैंग्वेज में जो डेवलपर होते हैं वो लिखते हैं, यानी कि बेसिकली डॉक्यूमेंट करते हैं जो प्रोग्राम है वो। सो फ्रेंड्स वो मैनुअल को हम रेफर करने के बाद हमें और डिटेल में उसके बारे में जानकारी मिलती है, तो उसी को हम कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ प्रोग्राम। फ्रेंड्स फर्दर हम देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन के भी दो स्टेप्स होते हैं, दो तरह के डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। पहला तो है इस तरह से कि जो डेवलपर्स डॉक्यूमेंटेशन होता है, और जो दूसरा है वो यूज़र्स के लिए होता है। डेवलपर्स डॉक्यूमेंटेशन के लिए उसके अंदर जो टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन होता है वो प्रोग्राम के रिलेटेड होता है, कोड्स के रिलेटेड होता है, डिज़ाइन मेथड्स और टेस्टिंग मेथड्स के रिलेटेड होता है। और अगर हम यूज़र्स डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो वो हम यूज़र्स के लिए होता है, ताकि हम किस तरह से उसे यूज़ करें, किस तरह से कोई प्रोग्राम को उसके अंदर ऑपरेट कर सकते हैं, वो सब यूज़र डॉक्यूमेंटेशन में होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं यूज़र डॉक्यूमेंटेशन में इन दिस टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑपरेटिंग प्रोग्राम, यानी कि किस तरह से हम प्रोग्राम को ऑपरेट करेंगे हम यूज़र्स, और इनपुट पैरामीटर्स जो है उसके रिलेटेड, आउटपुट पैरामीटर्स, वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंटेन किया जाता है यूज़र्स डॉक्यूमेंटेशन में। प्रोग्रामर डॉक्यूमेंटेशन इस तरह से होता है कि रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशंस ऑफ डॉक्यूमेंट उसके अंदर यूज़ होता है। डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स मतलब जैसे कॉपी ऑफ फ्लो चार्ट्स, एल्गोरिथम, सूडो कोड, जो कुछ भी हम उसके अंदर यूज़ करने वाले हैं, डिज़ाइन करने वाले हैं, वो बेसिकली डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स होता है। इसके बाद अगर कोई प्रोग्राम कोड अगर हम उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स वो जो कोड है उसका सोर्स और उसका एक कॉपी हम वहाँ पे मेंशन करते हैं। टेस्टिंग रिपोर्ट्स विथ ऑल टाइप्स ऑफ पॉसिबल इनपुट्स, तो फ्रेंड्स
जो कुछ भी हम इनपुट कर रहे हैं, इनपुट उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली जो हमने टेस्टिंग किया है उसके सारे जो रिपोर्ट्स होते हैं वो हमें उसके अंदर मेंशन करना होता है। इसके बाद है आउटपुट रिपोर्ट्स विद ऑल टाइप्स ऑफ पॉसिबल आउटपुट्स फॉर प्रोग्राम। सो फ्रेंड्स, जैसे हम जो सारा प्रोसेसेस फॉलो कर रहे होते हैं तो उसके अंदर जो भी हम अलग अलग रिपोर्ट्स आते हैं तो वो सारे हमें मेंशन करने होते हैं। तो ये रहा प्रोग्रामर का डॉक्यूमेंटेशन। सो फ्रेंड्स, हमने देख लिया किस तरह से हम डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे मेंशन करते हैं। यूजर डॉक्यूमेंटेशन इज मैनुअल जनरली, दैट इज हाउ टू ऑपरेट द प्रोग्राम। तो यूज़र डॉक्यूमेंटेशन जो है वो यूज़र मैनुअल होता है, यानी कि किस तरह से हम प्रोग्राम को बेसिकली ऑपरेट कर सकते हैं। इसके बाद सो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमें पढ़ना है प्रोग्राम एनालिसिस के कुछ टूल्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम कुछ टूल्स इस्तेमाल करते हैं प्रोग्राम एनालिसिस के लिए, और जिस तरह से हम लॉजिक को डिफाइन करते हैं कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए, और उसके कुछ डिफाइनिंग प्रोसेस और स्टेप्स होते हैं। सो फ्रेंड्स, वो लॉजिक हम इस मेथड से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तो होता है एल्गोरिथम, फिर होता है फ्लो चार्ट, और फिर होता है सूडो कोड। इसमें से हमें सूडो कोड इन डिटेल नहीं पढ़ना है क्योंकि वो डिलीटेड पोर्शन, मतलब जो रिड्यूस्ड सिलेबस है उसका पार्ट है। हम डिटेल में पढ़ेंगे एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट। सो फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है। यहाँ पे एल्गोरिथम का जो ये डेफिनेशन है, फर्स्ट लाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्गोरिथम इज अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स प्रिपेयर्ड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। सो फ्रेंड्स, ये हमें याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एल्गोरिथम का डेफिनेशन क्या है। तो बेसिकली लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हम फॉलो करते हैं ताकि हम कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन को सॉल्व करते हैं तभी, और वो स्टेप्स जो होते हैं लॉजिकल सीक्वेंस में जो स्टेप्स हम लिखते हैं उसी को हम एल्गोरिथम कहते हैं। और ये एक पर्टिकुलर टूल है ताकि हम सिंपल स्टेप्स में प्रोग्राम का सोल्यूशन लिख सकें। सो फ्रेंड्स, ये सिंपल हमारी जो कोई भी लैंग्वेज है उसके अंदर हम लिख सकते हैं, और वो कोई प्रोग्रामिंग या फिर टेक्निकल लैंग्वेज में यूज़ हम उसे नहीं करते हैं। कोई भी, जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में दिया जाएगा वैसे हम यहाँ पे लैंग्वेज यूज़ करते हैं, और कोई कोडिंग वगैरह इसमें नहीं होती। ये सिर्फ एक स्टेप्स होता है जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में लिख सकते हैं। इट गाइड्स द प्रोग्रामर टू प्रिपेयर द प्रोग्राम। सो फ्रेंड्स, ये फर्स्ट स्टेप होता है कभी भी जो भी हम प्रोग्राम को प्रिपेयर करते हैं, फर्दर जो भी हम करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेप होता है एल्गोरिथम, ताकि हम कोई भी प्रोग्राम को प्रिपेयर करने के पहले ये इस तरह से लिख लें। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों बहुत अच्छे एग्जांपल्स हमें दिए हैं ताकि हम एल्गोरिथम को अच्छे से समझें। सो फ्रेंड्स, एल्गोरिथम है बेसिकली, फर्स्ट है टू एक्सचेंज द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स। जैसे हम फर्दर सीखेंगे C++ में, पूरा कोडिंग के अंदर सीखेंगे। इसके बाद में जो 12th स्टैंडर्ड था कंप्यूटर साइंस 2 है हार्डवर्ड के अंदर, हम इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इंस्ट्रक्शंस वो हम सारी इन डिटेल सीखेंगे तभी। यहाँ पे बस हमें एल्गोरिथम सीखना है टू एक्सचेंज द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल, तो सपोज यहाँ पे हमें ए और बी इस तरह से टू वेरिएबल्स हैं। सो फ्रेंड्स, इसका एल्गोरिथम हम थ्री स्टेप्स में लिख सकते हैं। हमें बस प्रोग्राम है कि हमें एक्सचेंज करना है दो वेरिएबल्स का वैल्यू। सो फ्रेंड्स, पहले स्टोर द वैल्यू ऑफ ए इन एक्स। तो पहले ए का जो कोई वैल्यू है वो हमने एक्स के अंदर स्टोर किया। इसके बाद में ट्रांसफर बी वैल्यू टू ए। सो फ्रेंड्स, बी का वैल्यू है वो हमने ए के वैल्यू के अंदर स्टोर किया है, मतलब एक्सचेंज किया है। और इसके पहले ए का वैल्यू हमने खाली करके एक्स में स्टोर किया है। इसके बाद में ट्रांसफर एक्स टू बी। फिर इसके बाद में यहाँ पे जो ए का वैल्यू है वो हमने बी में ट्रांसफ़र किया है। तो इस तरह से हमने पहले ए का वैल्यू कहीं और हमने स्टोर किया ताकि ए खाली रह गया, बी को हमने ए में शिफ्ट कराया, और जब भी जो एक्स में जो ए का वैल्यू था वो हमने बी में शिफ्ट कराया। तो इस तरह से हमने ए और बी के दोनों भी जो वैल्यूज हैं वो एक्सचेंज कराए। तो इस तरह से थ्री स्टेप्स में हम इसका एल्गोरिथम लिखते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कोई टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल नहीं किए हैं, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं यूज़ किया है, सिंपली इंग्लिश लैंग्वेज में से लिखा है। सेकेंड स्टेप है कि सेकेंड एल्गोरिथम का एग्जांपल है टू डेवलप द प्रोग्राम ऑफ टू ड्राइव अ मोटरसाइकिल। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले बेसिकली हमने दो स्टेप्स डिफाइन किए। थर्ड स्टेप में हम उसका एल्गोरिथम डिफाइन कर रहे हैं। स्टेप वन है कि पहला हमें मैकेनिज्म उसका समझना होगा, अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म एंड फैसिलिटीज प्रोवाइडेड विद मोटरसाइकिल। सो फ्रेंड्स, पहले मोटरसाइकिल को ड्राइव करने के पहले, उसका एल्गोरिथम लिखने के पहले उसके जो बेसिक्स है वो जानने होंगे, मैकेनिज्म समझना होगा, क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं मोटरसाइकिल के थ्रू वो हमें समझने होगी।
फिर हमें सेकेंड है कि स्टडी द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। सो फ्रेंड्स, जो ऑपरेशन है, किस तरह से हम ऑपरेट करेंगे मोटरसाइकिल को, उसका जो सीक्वेंस है हम उसे स्टडी करेंगे। इसके बाद में हम एल्गोरिथम को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इंसर्ट द इग्निशन की, यानी कि पहले चाबी हम ऑपरेट करवाएंगे ताकि मोटरसाइकिल चालू हो जाए। तो पहला स्टेप है स्टार्टिंग का। सो फ्रेंड्स, पहले हमने की से हमने इंसर्ट करके उसे स्टार्ट करवाया, फिर अप्लाई द किक और स्टार्टर, फिर हमने किक अप्लाई किया और उसे स्टार्ट करवाया। रिमूव द स्टैंड, स्टैंड को हमने हटा दिया। इस तरह से हम एल्गोरिथम लिखते हैं, आप देख सकते हैं कुछ स्टेप्स में। पुट द मोटरसाइकिल इन टू फर्स्ट गियर बाय होल्डिंग क्लच। सो फ्रेंड्स, क्लच को यानी कि हैंडल को हमने होल्ड करके हमने मोटरसाइकिल को फर्स्ट गियर में जो है वो फर्स्ट गियर में उसे कराया। फिर इसके बाद में रिलीज द क्लच बाय इंक्रीजिंग द एक्सेलरेटर। सो फ्रेंड्स, इसके बाद में फिफ्थ स्टेप है कि हमने क्लच को रिलीज करवाया और एक्सेलरेशन जो है उसका वो इंक्रीज कराया। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम कोई भी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हम किस तरह से लिखते हैं। हम बेसिकली इस तरह का एग्जाम में नहीं लिखने वाले हैं, ये बस एक एग्जाम्पल है ताकि हम समझ सकें कि एल्गोरिथम होता क्या है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कोई टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल नहीं किए हैं, ना ही कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हमने सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ लिखा है। दिस एग्जांपल इज जस्ट गिविंग एन एनालॉजी, एक बस एनालॉजी के लिए है ताकि हम समझें कि किस तरह से प्रोग्रामिंग स्टेप्स किए जाते हैं। स्टार्ट यहाँ से हमने किया वगैरह और फिर हमने यहाँ पर एंड करवाया। सो फ्रेंड्स, उसके बाद में हम देखते हैं कि किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हमें फॉलो करने होते हैं। जो भी हम अगर हमें एफिशिएंट एल्गोरिथम में लिखना है तो क्या हमें कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करने चाहिए। पहला तो इट शुड बी इजी एंड सिंपल इन लैंग्वेज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यहाँ से कई बार सवाल आ जाते हैं मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफिशिएंट एल्गोरिथम। सो फ्रेंड्स, उसका फर्स्ट स्टेप है कि इजी होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ होना चाहिए और जो स्टेप्स हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए अगेन एंड अगेन। और इसके बाद थर्ड है कि एवरी स्टेप मस्ट बी एक्यूरेट एंड कम्प्लीट इट इटसेल्फ, यानी कि जो कुछ भी हम स्टेप्स मेंशन करने वाले हैं वो एक्यूरेट होने चाहिए और उसी के अंदर वो मतलब उसका मीनिंग क्लियरली वहाँ पे मेंशन दिखना चाहिए वो पर्टिकुलर स्टेप में। और फिर फोर्थ स्टेप है कि इट कैन बी ईजली मॉडिफाइड इफ़ नेसेसरी, यानी कि एल्गोरिथम को हम अगर वहाँ पे हमें कुछ मिस्टेक लग रहा है तो हम इसे ईजली मॉडिफाई भी कर सकते हैं, तो इसका अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है। और इट शुड बी ईजिली अंडरस्टैंडेबल टू अदर्स एंड स्टेप्स शुड बी क्लियर एंड कंसाइज, यानी कि जो हम स्टेप्स लिखने वाले हैं ऐसा नहीं कि हम बड़े बड़े पैराग्राफ्स में से लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोसेस होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, छोटे और क्लियर होनी चाहिए और जो यूज़र है उसे ईजिली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, जिस तरह से मैनुअल्स में लिखा होता है। सिक्स स्टेप में है कि इट शुड बी इकोनॉमिकल इन द यूज़ ऑफ कंप्यूटर टाइम, कंप्यूटर स्टोरेज एंड पेरिफेरल्स, यानी कि इकोनॉमिकल होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इस तरह से नहीं होना चाहिए कि कोई एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें बहुत सारे घंटे लग रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और टाइम सेविंग होना चाहिए और ज़्यादा स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करना चाहिए जो हमारा प्रोग्राम होगा वो। और स्टोरेज एफिशिएंट होना चाहिए और पेरिफेरल्स मतलब जो आउटपुट रिसोर्सेज हैं वो भी हमें कम लगनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, वो इकोनॉमिकल होना चाहिए बेसिकली। नेक्स्ट है कि इट शुड बी करेक्ट फॉर क्लियरली डिफाइंड सिचुएशंस, यानी कि बेसिकली हमारा जो बेसिक सिचुएशन है उसके हिसाब से जो उसका सोल्यूशन है वो क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए और करेक्ट भी होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, हम एल्गोरिथम जानने के बाद हम सीखते हैं कि फ्लो चार्ट क्या होता है। फ्लो चार्ट को सीखने के बाद हम पढ़ेंगे कि हम सूडो कोड किस तरह से लिखते हैं। फ्लो चार्ट बेसिकली हमने 10th 11th तक तो हम करते आ ही रहे हैं, 10th तक तो हमने किया ही होगा फ्लो चार्ट बेसिकली ट्री डायग्राम वगैरह जैसे चीज़ों में। तो उसी तरह से हम फ्लो चार्ट लिखते हैं यहाँ पे भी, लेकिन ये थोड़ा बहुत यहाँ पे हमें कुछ पैरामीटर्स हैं वो हमें जानने होते हैं, वो हम अभी सीखेंगे। आफ्टर प्रोग्रामिंग एन एल्गोरिथम, यानी कि किस तरह से अगर हमने एल्गोरिथम प्रिपेयर की है, इसके बाद हमें एक पिक्टोरियल फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट करना होता है। यानी कि हम ये इस तरह से फ्लो चार्ट इसलिए लिखते हैं ताकि हमें बड़े बड़े सेंटेंसेस ना पढ़ने पड़े और हमें छोटे से कुछ ही वर्ड्स में उसे समझ में आ जाए और ना ही सेंटेंसेस में। तो एक पिक्टोरियल फॉर्मेट में हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से हम एल्गोरिथम को बेसिकली रिप्रेजेंट करने के लिए पिक्टोरियल फॉर्मेट में और स्टैंडर्ड मीनिंगफुल सिंबल्स भी देते हैं हम इसे, और इसी को हम कहते हैं फ्लो चार्ट। सो फ्रेंड्स, ये जो इसका डेफिनेशन है वो इंपॉर्टेंट है। द मेथड यूज टू रिप्रेजेंट एन एल्गोरिथम इन पिक्टोरियल फॉर्म विद स्टैंडर्ड मीनिंगफुल सिंबल्स इज नोन एज फ्लो चार्ट। तो ये हमें इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
फ्लो चार्ट बेसिकली हम फॉर्मुलेटिंग और अंडरस्टैंडिंग एल्गोरिदम्स के लिए हम उसे इस्तेमाल करते हैं। फ्लो चार्ट जब भी प्रिपेयर होता है तो हम इलस्ट्रेट कर सकते हैं, अगर बहुत सारे लूप्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर डिसीजंस येस नो वगैरह, इनपुट आउटपुट डेटा, इस तरह से सारे जो टूल्स हैं वो हम इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। टू ड्रॉ फ्लो चार्ट द फॉलोइंग फिगर्स आर यूज एज अ स्टैंडर्ड कन्वेंशन, और हमें यहाँ पे किस तरह से हम एक्चुअल में लिखते हैं और किस तरह से हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं वो हम अभी देखने वाले हैं फ्लो चार्ट में। सो फ्रेंड्स, पहले जैसे हमने मेंशन किया है कि मीनिंगफुल सिंबल्स की यहाँ पे ज़रूरत होती है, तो देख लेते हैं कि क्या सिंबल्स है जो हमें यहाँ पे जानने हैं। पहला तो हम इस तरह से राउंडेड रेक्टेंगुलर के अंदर लिखेंगे स्टार्ट और स्टॉप, यानी कि स्टार्टिंग में और एंडिंग में जब भी कोई भी प्रोग्राम हम लिख रहे हैं तो जब भी हम स्टार्ट और स्टॉप लिखेंगे तो हम राउंडेड सर्कुलर ब्रैकेट में हम लिखेंगे इस तरह से रेक्टेंगुलर विथ राउंडेड कॉर्नर्स, यानी कि इस तरह से रेक्टेंगल होता है तो हम राउंड कॉर्नर्स को राउंड करेंगे, तो इस तरह से रेक्टेंगुलर राउंडेड कॉर्नर्स में से हम इस तरह से स्पेसिफाई स्टार्ट और स्टॉप के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली जो टर्मिनल्स होती हैं स्टार्टिंग का टर्मिनल और एंडिंग का टर्मिनल, तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, पहले तो हमने रेक्टेंगुलर राउंडेड कॉर्नर्स देख लिया। सेकेंड है पैरेललोग्राम। सो फ्रेंड्स, जब भी हमें इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम इसे इस तरह से पैरेललोग्राम के फॉर्मेट में लिखते हैं। बेसिकली रेक्टेंगल को जब हम इस तरह से टिल्ट कर देते हैं तो ये पैरेललोग्राम बन जाता है। इट इंडिकेट्स इनपुट प्रोसेस सच एज कीबोर्ड एंट्री एंड आउटपुट प्रोसेस सच एज प्रिंटिंग एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट, इनपुट, आउटपुट, रीड, इस तरह से जो है हमने सारे पैरामीटर्स जब हम डिफाइन करते हैं इनपुट आउटपुट के लिए तो वो हम सारे पैरेललोग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। फिर है अगर हमें कुछ कैलकुलेशन पार्ट इस्तेमाल करना होता है जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह, तो वो हम रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारा हमें याद रखना है रेक्टेंगुलर राउंडेड कॉर्नर स्टार्ट स्टॉप के लिए। अगर कोई हमें इनपुट पैरामीटर्स या फिर आउटपुट पैरामीटर्स मेंशन करने हैं रीड, प्रिंट, राइट, इस तरह से सीन सीआउट जब हम आगे पढ़ेंगे तो वो सारे पैरामीटर्स हम पैरेललोग्राम में लिखते हैं। जब हमें कोई इंस्ट्रक्शन देना होता है तो वो हम रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली कैलकुलेटिंग पार्ट जैसे यहाँ पे है सम इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये है एक इंस्ट्रक्शन कैलकुलेशन पार्ट के लिए। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसे रेक्टेंगल में लिखते हैं। फर्दर है हम डायमंड का सिंबल इस तरह से इस्तेमाल करते हैं जब भी हमें कोई डिसीजन मेकिंग स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं। बेसिकली लॉजिकल टाइप ऑफ आंसर्स के लिए जैसे येस नो 1 0, इस तरह से जब भी हम लॉजिकल आंसर्स लेते हैं यूज़र से तभी हम रेक्टेंगल डायमंड का सिंबल इस्तेमाल करते हैं और इसे हम कहते हैं डिसीजन बॉक्स। सो फ्रेंड्स, ये डिसीजन बॉक्स क्या होता है इस तरह से हमें पूछा जा सकता है एग्जाम में। सो फ्रेंड्स, आपको ये इसका आंसर लिखना है। बेसिकली ये आप डायमंड इस तरह से लिख सकते हैं इस वाई इक्वल टू जीरो येस नो, इस तरह से हम डिसीजन लेंगे। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हम डायमंड में से यूज़ करते हैं। एरोज आर यूज टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ प्रोसेस, यानी कि ऊपर से फॉर एग्जांपल हमने स्टार्ट किया फिर हमने नीचे एरो डाला। सो फ्रेंड्स, ये डाउनवर्ड एरो इस तरह से हमने यूज़ किया। इसके बाद में हमने इस तरह से डिसीजन बॉक्स इस्तेमाल किया। अगर यहाँ पे y इक्वल टू जीरो फिर हमने येस यहाँ पे डाला, अगर येस है सो फ्रेंड्स ये येस करके ऊपर जाएगा और यहाँ पे वो फिर से स्टार्ट होगा इस तरह से, या फिर ऐसे कुछ होगा कि हम यहाँ पे हमने इस तरह से ये वाला एरो इस्तेमाल किया है। अगर ये नो होता तो यहाँ पे कोई और कंडीशन होती। सो फ्रेंड्स, ये वाला एरो हम इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से ही सारा फ्लो ऑफ प्रोग्राम को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। इसके बाद हम इस तरह से ये कनेक्टर्स होते हैं इसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एक फ्लो चार्ट बनाया और ऐसा नहीं होता है हमेशा कि वो फ्लो चार्ट हमारे एक कंप्लीट पेज में हो जाए। सो फ्रेंड्स, जो भी हमें दूसरे पेज में इसे कंटिन्यू करना होता है तो हम ये कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, तो जो हमें बताता है कि ये पूरा प्रोग्राम यहाँ से यहाँ पे से कनेक्टेड है इस तरह से। तो एक स्मॉल सर्कल में हम यहाँ पे कुछ भी रैंडम अल्फ़ाबेट या फिर कुछ भी लिख सकते हैं। बेसिकली ये और ये सेम होने चाहिए ताकि हमें कनेक्शन दिख जाए। तो हमें अगर हमें फ्लो चार्ट अगर हमारा इनकम्प्लीट रह गया तो उसे जो रिमेनिंग पार्ट है उसे कनेक्ट करने के लिए हम ये कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, हम सीखेंगे अभी कि हमें क्या बेसिक रूल्स फॉलो करने चाहिए जब भी हम फ्लो चार्ट को बनाते हैं, और फिर हम देखेंगे कि उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं। बेसिकली रूल्स फॉलो करने होते हैं कि वो हम स्टैंडर्ड सिंबल्स ही यूज़ करें और ना कि हमने
ऐसे राउंडेड रेक्टेंगुलर बना दिया इंस्ट्रक्शंस के लिए, कैलकुलेशन पार्ट के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टैंड सिंबल्स हमें यूज़ करना है। इसके बाद जो सेकंड है, एरोज शुड बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो हमें एरोज रिप्रेजेंट करने हैं। बेसिकली कई बार लोग इस तरह से बना देते हैं, सो फ्रेंड्स ये बहुत रॉन्ग है क्योंकि हम यहाँ पे एरो नहीं इस्तेमाल कर रहे। तो एरो हेड जो है पॉइंटर वो हमें दिखना चाहिए। थर्ड है कि फ्लो लाइंस शुड नॉट क्रॉस ईच अदर। सो फ्रेंड्स जो फ्लो लाइंस हैं, इस तरह से मैंने एक एरो बना दिया तो यहाँ से सेकेंड एरो मैं यहाँ पे बना रही हूँ, यहाँ पे बीच में कहीं और स्टेप ऐड कर रही हूँ, तो इस तरह से ये इस तरह से क्रॉस नहीं होनी चाहिए, ओवरलैप नहीं होनी चाहिए बेसिकली। फोर्थ है कि प्रोग्राम फ्लो शुड बी टॉप टू बॉटम, यानी कि ऐसा नहीं कि हम यहाँ से बॉटम से टॉप या फिर रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं। स्टार्टिंग से हमें इस तरह से ऊपर स्टार्ट करना है और नीचे तक लाते हुए इसे एंड करना है। टॉप टू बॉटम हमारा फ्लो होना चाहिए। सो फ्रेंड्स अब हमने बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है होते हैं और बेसिकली जो रूल्स फॉलो हमें करने होते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमें प्रॉपर एडवांटेजेस क्या होते हैं फ्लो चार्ट से। सो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ 6 एडवांटेजेस हैं जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और हमें याद रखने हैं, काफ़ी बार पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। पहला है कि बेटर प्रोग्रामिंग स्टेप्स हम इफिशियंटली ले सकते हैं थ्रू फ्लो चार्ट। इसके बाद सेकंड है कि मिनिमम लेंथ वो छोटा होता है, काफ़ी ज़्यादा सेंटेंसेस नहीं होते इसके अंदर और इसलिए उसका लेंथ जो है वो मिनिमम होता है। सिस्टमैटिक एनालिसिस हम इसमें से कर सकते हैं क्योंकि हमें स्टेप्स पता चल जाता है, सीक्वेंस पता चल जाता है। फ्रेंड्स इसका फोर्थ स्टेप है कि मिनिमाइजेशन ऑफ एरर्स। फ्लो चार्ट जब भी हम यूज़ करते हैं तो एरर्स बहुत मिनिमम होते हैं। इसके बाद फिफ्थ है एडवांटेज की इफेक्टिव टेस्टिंग एंड रिजल्ट। सो फ्रेंड्स फ्लो चार्ट के थ्रू हम इफेक्टिवली टेस्ट और रिजल्ट उसका इस्तेमाल पा सकते हैं। सिक्स्थ है कि इजी कोडिंग। फ्लो चार्ट से हमें देखकर बहुत इजीली हम उसे कोड कर सकते हैं प्रोग्राम को। सेवन्थ है कि यूनिवर्सल लॉजिक सोल्यूशन, यानी कि अगर हमने हमारा जो फ्लो चार्ट है वो किसी और को दिखाया जिसका लैंग्वेज कुछ और हो या फिर जिसके अंदर जो अच्छे से प्रोग्रामिंग नहीं भी जानता हो, फिर भी वो पूरे थ्रू आउट द यूनिवर्स अगर हम फ्लो चार्ट दिखाएं तो वो सभी को समझ में आ जाएगा और उसका जो लॉजिकल सोल्यूशन है वो अच्छे से समझ पाएंगे। सो फ्रेंड्स ये होते हैं कुछ एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट जो हमें याद रखने हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं फ्लो चार्ट के। ड्रॉ फ्लो चार्ट टू फाइंड एवरेज ऑफ मार्क्स इन परसेंटेज फॉर स्टूडेंट्स ऑफ SSC एग्जाम। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम इस तरह से फ्लो चार्ट बनाते हैं, आप देख सकते हैं। पहले तो हमने स्टार्ट और स्टॉप इस तरह से रेक्टेंगुलर राउंडेड फॉर्मेट में लिखा है टू डिनोट द टर्मिनल, स्टार्टिंग टर्मिनल और एंडिंग टर्मिनल। इसके बाद हम ये जो है रीड मार्क्स। सो फ्रेंड्स ये जो है वो इनपुट आउटपुट काइंड ऑफ पैरामीटर है कि हम जो इनपुट मार्क्स आ रहे हैं वो हम रीड कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स इसके लिए ये इस तरह से हम पैरेललोग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। फ्रेंड्स इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ ऐड मार्क्स जो कि कैलकुलेशन का इंस्ट्रक्शन है जो हमने रेक्टेंगल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया है। इसके बाद हम एवरेज ले रहे हैं, यानी कि ये फिर एक कैलकुलेशन का पार्ट है जो टोटल सब्जेक्ट्स होंगे, टोटल मार्क्स होंगे डिवाइडेड बाय 7 और फिर परसेंटेज हम इस तरह से डिनोट करेंगे। फिर ये कैलकुलेशन पार्ट है तो ये हम दोनों रेक्टेंगल में डिनोट करेंगे। इसके बाद में हम जो इनपुट है उसका हमने इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद जो आउटपुट होगा वो हम डिस्प्ले करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स ये इस तरह से पैरेललोग्राम में हम फिर से आउटपुट पैरामीटर डिस्प्ले करने वाले हैं और फिर यहाँ पे एंडिंग टर्मिनल जो कि है स्टॉप। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एक सेकंड एग्जांपल दिया है। सेकंड एग्जांपल में आप देख सकते हैं इस तरह से हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए ये फ्लो चार्ट बनाया है। स्टार्ट स्टॉप इस तरह से हमने एंड टर्मिनल और स्टार्टिंग का टर्मिनल को इस तरह से राउंडेड ब्रैकेट में डिनोट किया है। फिर यहाँ पे हमने दोनों इनपुट आउटपुट पैरामीटर्स के लिए पैरेललोग्राम यूज़ किया है और जो स्क्वायर रूट है वो इक्वल होता है जो नंबर है मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। तो हमने इस तरह से कैलकुलेशन पार्ट जो है हमने रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट किया है। सो फ्रेंड्स इसके जो सेकंड बेसिकली जो थर्ड फ्लो चार्ट है उसके अंदर हम स्क्वायर ऑफ नंबर्स फाइंड करने वाले हैं 1 से लेकर 10 तक। सो फ्रेंड्स इसमें हम एक डिसीजन बॉक्स पे इस्तेमाल करने वाले हैं। सो बेसिकली हमने पहले स्टार्ट और एंड के टर्मिनल्स को पहले डिनोट किया है रेक्टेंगुलर राउंडेड बॉक्सेस में। इसके बाद हम सी इक्वल्स टू 1, तो इस तरह से हम यहाँ पे काउंटर का वैल्यू सेट कर रहे हैं 1 पे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने ये रेक्टेंगल फॉर्मेट में इसे लिखा है। इसके बाद में यहाँ पे जो है वो हमने एरो नीचे डालकर कहा है कि S इक्वल्स टू C मल्टीप्लाइड बाई C, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट होगा जो पर्टिकुलर 1 है तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1।
तो इस तरह से हमने इंस्ट्रक्शन है, कैलकुलेशन पार्ट है, तो दोनों हमने रेक्टेंगल में डिनोट किया है। इसके बाद हम जो एस है यानी कि स्क्वायर है वो हम प्रिंट करने वाले हैं, यानी कि उसका आउटपुट हम इस तरह से डिनोट करेंगे। सो फ्रेंड्स ये हो जाएगा प्रिंट एस, यानी कि ये होगा हमारा आउटपुट जो कि हमें इसको प्रिंट करना है। तो पैरेललोग्राम में डिनोट करेंगे और फिर यहाँ पे हमने जो कनेक्टर है उसका इस्तेमाल किया है आप देख सकते हैं। और फिर यहाँ पे हमने कनेक्टर को नीचे इस तरह से एरो हेड करके यहाँ पे सी इक्वल्स टू सी प्लस वन, यानी कि जो यहाँ पे काउंटर हमने वन पे सेट किया था वो वन से ज़्यादा मतलब इंक्रीमेंट हो जाएगा बाय वन। तो फिर यहाँ पे अभी जो नेक्स्ट नया काउंटर का वाली होगा वो होगा टू, क्योंकि पहले वन था वन प्लस वन टू। तो ये फिर से एक कैलकुलेशन वाला पार्ट है जो हमने रेक्टेंगल में डिनोट किया है। फिर हम यहाँ पे नीचे आ रहे हैं और ये है हमारा डिसीजन बॉक्स जो हमने डायमंड शेप में इसे डिनोट किया है। इस सी ग्रेटर देन टेन, अगर यहाँ पे नो होगा यानी कि सी वन से लेकर नाइन तक है यानी कि छोटा है, सी इज़ लेस देन टेन, तो जब भी हम वन से लेकर नाइन तक अगर होता है तो यहाँ पे हम नो पे जाएंगे और यहाँ से फिर पूरा प्रोसेस चलेगा। और अगर ग्रेटर देन टेन है यानी कि अगर वो 11, 12 इस तरह से है तो हमें सिर्फ 1 से 10 ही कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पे अगर येस है तो यहाँ पे प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से हमें फ्लो चार्ट समझना है कि अब हमने सिंबल यूज़ की कौन से इंस्ट्रक्शंस के लिए, वो हमें यहाँ पे जानना ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ एक फोर्थ और फिफ्थ एग्जाम्पल है जहाँ पे हमने फाइंड करना है फाइंड लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम द टू गिवन नंबर्स। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस तरह से स्टार्ट एंड इस तरह से लिखा है और फिर ये पैरेललोग्राम और डायमंड और येस नो डिसीजन बॉक्स इस तरह से। सिमिलरली यहाँ पे एक नेक्स्ट एग्जांपल है फ्लो चार्ट टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ एक्स, यानी कि फैक्टोरियल जो होता है फॉर एग्जांपल 5 फैक्टोरियल। सो फ्रेंड्स 5 फैक्टोरियल का आंसर होता है 5, 4, 3, 2, 1। इस तरह से मल्टीप्लीकेशन में से 5 फैक्टोरियल कहते हैं। सो फ्रेंड्स इस तरह से हम ये किस तरह से लिखते हैं वो यहाँ पे दिया है। यहाँ पे हमने कोई कनेक्टर का इस्तेमाल नहीं किया है, डायरेक्टली एक पूरा फ्लो चार्ट है जहाँ पे हम इंस्ट्रक्शंस कैलकुलेशंस के लिए ये इस्तेमाल कर रहे हैं रेक्टेंगल। इस तरह से हम फ्लो चार्ट को बनाते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है सूडो कोड जो कि ओमिटेड है। बेसिकली हम यहाँ पे शॉर्ट में समझ लेते हैं कि सूडो कोड का मतलब क्या है और हम किस तरह से इसे डिनोट करते हैं। सूडो कोड एक बेसिकली प्रोग्राम एनालिसिस का ही टूल है ताकि हम प्रोग्राम लॉजिक को अच्छे से प्लान कर सकें। सूडो मींस फॉल्स, यानी कि फॉल्स कोड, बेसिकली जो एक डमी कोड टाइप हम बनाते हैं जो कि हम एक्चुअल में इंप्लीमेंट नहीं कर रहे होते हैं। बेसिकली हम पेपर वगैरह में लिखते हैं कोड, उसे हम कहते हैं सूडो कोड। और ये एक इमिटेशन होता है एक्चुअल कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस का, जिसके अंदर हम थोड़े बहुत कंप्यूटर लैंग्वेज में थोड़ा बहुत यहाँ पे हम उसे यूज़ करते हैं। सूडो कोड इंस्ट्रक्शंस आर फ्रेसेस रिटन ऑर्डिनरी नेचुरल लैंग्वेज फॉर एग्जांपल इंग्लिश, फ्रेंच एक्सेट्रा। सूडो कोड इज़ मेड अप ऑफ फॉलोइंग बेसिक रूल्स, लॉजिकल कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमने फॉलो करने होते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल सीक्वेंस, सिलेक्शन और इटरेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे फ्लो चार्ट है, फिर ये एक प्रोसेस वन हो गया, फिर इसके बाद में प्रोसेस टू हो गया। इस तरह से ये प्रोसेस वन में काफ़ी सारे अंदर कुछ कुछ स्टेप्स हो सकते हैं इन्वॉल्व। सो फ्रेंड्स ये इस तरह से प्रोसेस वन प्रोसेस टू इस तरह से ये फ्लो चार्ट होगा। सिमिलरली सूडो कोड के अंदर हम प्रोसेस वन प्रोसेस टू इस तरह से लिख सकते हैं और ये फ्लो चार्ट का फॉर्मेट है और यहाँ पे ये कोडिंग का फॉर्मेट है जो कि हम इस तरह से प्लेन लैंग्वेज में लिखते हैं। तो पहले हमें सीक्वेंस पता होना चाहिए, फिर सिलेक्शन और फिर इटरेशन। सो फ्रेंड्स अब हम उसके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। पहला तो है कि जब भी हम सूडो कोड को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजियर और कन्वेंशनल होता है एज़ कम्पेयर टू फ्लो चार्ट। और सेकेंड है कि इट्स ईजी टू राइट सूडो कोड एज़ कम्पेयर टू ड्राॅइंग फ्लो चार्ट, यानी कि फ्लो चार्ट के अंदर हम काफ़ी सारे जो सिम्बल्स वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन जो सूडो कोड होता है वो बहुत ही सिंपल कोई भी लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं लेमैन्स लैंग्वेज में। तो फ्रेंड्स वो जो है वो बहुत ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू फ्लो चार्ट। एंड एक्चुअल प्रोग्राम जो है बिकॉज ऑफ सूडो कोड हैज़ फ्यू रूल्स टू बी फॉलोड, जो सूडो कोड होता है उसके अंदर बहुत ही कम रूल्स हम फॉलो करते हैं, इसलिए ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है। सो इट विल कॉन्सेंट्रेट ऑन लॉजिक ऑफ प्रोग्राम, तो ये सिर्फ लॉजिक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है और ना कि बाकी के कोई भी चीज़ों पे। फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं कुछ लिमिटेशंस ऑफ सूडो कोड्स, क्योंकि वो बहुत ही कन्वेंशनल है और यूज़र फ्रेंडली है तो उसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं।
जैसे कि जो सूडो कोड है उसके अंदर प्रोग्राम लॉजिक का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता सूडो कोड में, कि ग्राफिकली जो हमारा जो लॉजिक है प्रोग्राम है वो किस तरह से दिखेगा वो उसकी आइडिया हम यहाँ से नहीं ले सकते सूडो कोड में, जो कि हमें फ्लो चार्ट के थ्रू थोड़ा बहुत उसका आइडिया मिल जाता है। सेकेंड लिमिटेशन है कि एज देर आर नो स्टैंडर्ड रूल्स फॉर राइटिंग सूडो कोड, डिफरेंट प्रोग्रामर्स में यूज देयर ओन स्टाइल विच में कॉज कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हर किसी की प्रोग्रामिंग की स्टाइल और लैंग्वेज जो है वो काफ़ी अलग अलग हो सकती है, वेरीड हो सकती है, तो वन प्रोग्रामर का जो लॉजिक है वो दूसरे को समझने के लिए दिक्कत आ सकती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम कोई स्टैंडर्ड रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये कुछ इसके दो लिमिटेशंस होते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। सो फ्रेंड्स, पहले कोई भी प्रोग्रामर को जब भी हम कोई डिसाइड कर रहे होते हैं मेथड ऑफ जो जिसके अंदर हम प्रोग्राम को डेवलप करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें दो बेसिक टेक्निक्स की यहाँ पे हमें समझना ज़रूरी है। पहला है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग और दूसरा है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। सो फ्रेंड्स, ये स्ट्रक्चर्ड और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या है वो देख लेते हैं। फर्स्ट है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। कुछ इस तरह से आप स्ट्रक्चर से यहाँ पे देख सकते हैं, और इसके अंदर जो है वो हम एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में प्रोग्राम को डिनोट करते हैं, और यहाँ पे तीन इसके टाइप्स होते हैं, सब टाइप्स जो कि है सिंपल सीक्वेंस एक होता है, बेसिकली ये स्ट्रक्चर होता है प्रोग्राम का। दूसरा है सिलेक्शन बाय डिसीजन और तीसरा है रिपीटेशन। सो फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर में आप इस तरह से आइडिया लगा ही सकते हैं ये स्ट्रक्चर्स को देखकर। पहला है सिंपल सीक्वेंस, यानी कि इसका जो फ्लो है वो वन वे है। नेक्स्ट है सिलेक्शन सीक्वेंस, यानी कि डिसीजन बॉक्स जिसके अंदर इंक्लूडेड होगा, और वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर दो टर्मिनल्स निकले होते हैं येस और नो, इस तरह से जो है वो होता है सिलेक्शन बॉक्स। इसके बाद हम रिपीटेशन कर रहे होते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो यहाँ पे एक एरो जाता है, और फिर ये प्रोसेस इस तरह से लूप फॉर्म कर रहा होता है, रिपीटेशन हो रहा होता है। तो स्ट्रक्चर प्रोसेसेस के हमें ये तीन टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। सो फ्रेंड्स, इस तरह से होता है ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर एक मेन उसका नोड होता है, और इसके बाद जो है उसके कई सारे इस तरह से मॉड्यूल्स जो ब्रांचेस जैसे हैं होते हैं ट्री के, इस तरह से मॉड्यूल वन मॉड्यूल टू इस तरह से हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। ये प्रोग्राम होता है, इसकी कुछ तीनों भी जो तीन या फिर चार जितने भी हो सकते हैं वो सारे सब टाइप्स सी के अंदर इंक्लूडेड होते हैं, और ईच सब प्रोग्राम में भी कॉल्ड एज फंक्शंस और प्रोसीजर्स। और ये जो सब प्रोग्राम्स होते हैं इसके अंदर मॉड्यूल वन के अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं, तो उसी को हम फंक्शंस कह सकते हैं या फिर प्रोसीजर्स कह सकते हैं, और ये स्पेसिफिक रूटीन को बताते हैं कि कितना टाइम लगेगा वगैरह, जो मेन एम क्या है प्रोग्राम का वो सारा कुछ। इसके बाद हम यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इस तरह से होता है। इन सी लैंग्वेज मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इज़ मोर पॉपुलर। तो जब भी हम सी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उसके अंदर मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग हमें काफ़ी ज़्यादा हमें यूज़ करेंगे। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अलाउज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स टू बी डिवाइडेड इनटू सिंपल पार्ट्स। तो हमने देखा कि ये प्रॉब्लम है, और ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जिसको हमने कई सारे मॉड्यूल्स में छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके ब्रेक करके सिंपल बना दिया है, और जो सारे जो पार्ट्स होते हैं बेसिकली हम इन्हीं को मॉड्यूल्स बुलाते हैं, एंड दे आर कंट्रोल्ड बाय सिंगल प्रोग्राम। तो एक ही पर्टिकुलर प्रोग्राम से ये सारे मॉड्यूल्स एक्सेसिबल होते हैं। ईच मॉड्यूल मे बी कॉल्ड एज सब रूटीन, और जो एक मॉड्यूल है उसे हम सब रूटीन कहते हैं। सो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट है वो है सर्चिंग। सो फ्रेंड्स, जब भी हमें कोई रिकॉर्ड को फाइंड करना होता है, कोई भी डेटा आइटम हो सकता है रिकॉर्ड का मतलब, ताकि हम कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया को उससे मैच करा सके एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ आइटम्स में, इसे हम कहते हैं लिस्टिंग या फिर सर्चिंग। सो फ्रेंड्स, सर्चिंग जो है वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला तो होता है लीनियर सर्च और दूसरा होता है बाइनरी सर्च। सो फ्रेंड्स, लीनियर सर्च के अंदर ये पूरा एल्गोरिदम हम जो है C++ लैंग्वेज में इन डिटेल सीखते हैं, और यहाँ पे चूंकि हम सिर्फ प्रोग्राम एनालिसिस सीख रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि लीनियर सर्चिंग क्या होता है। लीनियर सर्चिंग मतलब अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं एक टर्मिनल से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, सो फ्रेंड्स हम लीनियर सर्चिंग में एक के बाद एक दूसरा तीसरा इस तरह से हम पूरा सर्च कर रहे होते हैं। और अगर हम बाइनरी सर्चिंग के बारे में बात करते हैं, सो फ्रेंड्स हमें इस तरह से ये स्टार्टिंग और ये एंडिंग दिया होता है, हम पहले यहाँ से यहाँ तक पूरा सर्च करा नहीं करते हैं, बेसिकली हम यहाँ पे दो पार्ट्स में उसे डिवाइड कर देते हैं बाइनरी यानी कि टू में, फिर हम यहाँ पे सर्च करते हैं यहाँ पे सर्च करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हमें यहाँ पे अगर वैल्यू है, यहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू है और यहाँ पे हमने सर्च किया तो हमने यहाँ पे नहीं मिला, फिर हम दूसरे पार्ट में जो है वो सिर्फ इसी को सर्च करते हैं,
और इसी को फिर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पहला तो यहाँ पे सर्च करते हैं फिर यहाँ पे, और दोनों पार्ट्स में जब भी हम सर्च करते हैं तो यहाँ पे हमें नहीं मिलता है तो हम सिर्फ ऊपर वाले पार्ट में सर्च करते हैं, फिर हम इसे दो पार्ट्स में यानी कि बाइनरी में उसे हम डिवाइड करते हैं, और इस तरह से हम फर्दर सर्च करते जाते हैं तो इसी को कहते हैं हम बाइनरी सर्चिंग। सो फ्रेंड्स, लीनियर सर्चिंग में हम इस पहले करते हैं स्टार्ट, फिर हम रीड एन यानी कि पहले हम जो आइटम टू बी फाउंड है वो रीड करते हैं, फिर पहले इनिशियलाइज काउंटर टू वन करते हैं, फिर यहाँ पे बी ऑफ आई, आई यानी कि आइटम जो है वो, देन प्रिंट द आइटम फाउंड इन पोजीशन आई, आई या फिर वन आप इसे कह सकते हैं, तो यहाँ पे वन पे हम उसे काउंटर को इनिशियलाइज करते हैं, या फिर अगर वहाँ पे वो नहीं मिलता है जो हमारा वैल्यू है वो, तो हम इसे इंक्रीमेंट करते हैं यानी कि दूसरे पे सर्च करते हैं। इस तरह से हम इंक्रीमेंट कर करके सर्च कर रहे होते हैं फर्दर, और अगर आई जो है वो लेस देन इक्वल टू एन है तो गो टू स्टेप फोर यानी कि यहाँ पे, और अगर वो नहीं है तो फ्रेंड्स हम फर्दर उसको लूप टाइप में फिर उसको रिपीट करवाते रहेंगे, और अगर पूरे इसमें अगर आइटम हमें पूरे लिस्ट में नहीं मिलता है तो हम सिंपली लिख देंगे कि आइटम इज़ नॉट फाउंड, फिर हम स्टॉप करेंगे। यहाँ पे आई जो है वो काउंटर है या फिर इटरेशन वाले हम कह सकते हैं, आइटम यानी कि एलिमेंट जो कि हम सर्च कर रहे हैं, बी यानी कि एरे है बेसिकली एरे का नेम है, लिस्ट का नेम या फिर कुछ भी हो सकता है, और एन जो है वो नंबर ऑफ आइटम्स इन द लिस्ट है, और यहाँ पे जो है आइटम्स टू बी फाउंड इज कंपेयर्ड विद ईच एलिमेंट इन द लिस्ट, और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1, 2, 3, 4 इस तरह से 5, 6, 7 लिखा है, और हमें 1 से लेकर 7 में मुझे 6 फाइंड आउट करना है, तो पहले मैं 6 को 1 से कंपेयर कराऊंगी, क्या ये सिमिलर है, क्या ये मैच कर रहे हैं, नहीं तो फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये कैंसिल होकर फिर मैं ये दोनों को कंपेयर करवाऊंगी, ये मैच नहीं हो रहा है, फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा +1 +1 से काउंटर जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर मैं ये सर्च करूँगी नहीं हो रहा, इस तरह से हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे, और जब तक हमारा ये और ये इक्वल ना आ जाए, जब तक हमारा जो काउंटर का वैल्यू और जो हम सर्च कर रहे हैं वो एलिमेंट इक्वल ना आ जाए तब तक हम इंक्रीमेंट करते रहेंगे, और अगर यहाँ पे भी हमें वो नहीं मिल रहा, यहाँ तक समझिए कि लिस्ट आ रही था, सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लिखेंगे आइटम नॉट फाउंड, और अगर मिला तो हम वहाँ पे मेंशन कर देंगे। इस तरह से हम लीनियर सर्च करते हैं। सिमिलरली फ्रेंड्स यहाँ पे बाइनरी सर्च होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो सारा प्रोसीजर है और जो सारे जो स्टेप्स होते हैं इन्वॉल्व वो यहाँ पे सारे दिया है एल्गोरिथम के फॉर्मेट में, और ये ना ही इसे फ्लो चार्ट में दिया है। सो फ्रेंड्स जब भी हम C++ पढ़ते हैं तभी हम बाइनरी सर्चिंग लीनियर सर्चिंग के सारे प्रोग्राम कोडिंग के साथ लिखते हैं। सो फ्रेंड्स जब भी हम उसका बेस अच्छे से पढ़ लेते हैं तभी हमें इसका ज़्यादा हमें समझ में आएगा, और यहाँ पे अगर मैं आपको इसी तरह से एक्सप्लेन करूँगी तो आपको शायद ऐसा हो कि आपको अच्छे से समझ में ना आ जाए, इसलिए यहाँ पे जो है हम प्रोग्राम एनालिसिस में सिर्फ प्रोग्राम हम किस तरह से लिखते हैं वो सीखेंगे और ना कि पूरे स्टेप्स और प्रोसीजर्स। सो फ्रेंड्स हम अब आगे बढ़ते हैं और ये हम C++ चैप्टर में कवर करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे बाइनरी सर्च के कुछ एल्गोरिथम्स दिए हैं इस तरह से और स्टेप वाइज यहाँ पे दिया है, इसके बाद में कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च एल्गोरिथम, यहाँ पे उन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में कहा है, फॉर्मूला भी कुछ होता है जो हमें इस्तेमाल करना होता है जो हम C++ में सीखते हैं, फिर इसके कुछ एप्लीकेशंस और लिमिटेशंस दिए हैं। इसी तरह से हमें और एक एग्जांपल दिया है सॉर्टिंग का। सो फ्रेंड्स सॉर्टिंग भी हम C++ लैंग्वेज में जो हम इसका जो बिल्कुल नेक्स्ट चैप्टर है उसके अंदर हम इन डिटेल पढ़ते हैं कि सॉर्टिंग का एल्गोरिथम क्या होता है, फ्लोचार्ट किस तरह से होते हैं, इसके सब टाइप्स किस तरह से होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं पहला है सॉर्टिंग बाय सिलेक्शन, फिर है बबल सॉर्टिंग मेथड, फिर है शेयर सॉर्टिंग, फिर हीप सॉर्टिंग, ये सारा हमें नहीं पढ़ना है, हम यहाँ पे पढ़ेंगे C++ में बबल सॉर्टिंग मेथड, और ये हम डिटेल में वहाँ पढ़ेंगे, और यहाँ पे बस उसका एल्गोरिथम के फॉर्मेट में किस तरह से हम इसे सेंटेंस में लिखते हैं वो दिया है। सो फ्रेंड्स जो भी हम C++ पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम इन डिटेल इसे डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए अब हमें यहाँ पे आइडिया मिल चुका है कि हम किस तरह से प्रोग्राम को लिखते हैं, प्रोग्राम एनालिसिस किस तरह से करते हैं, और उसका बेसिक डेफिनेशंस क्या है, और फ्लोचार्ट किस तरह से बनाते हैं वगैरह। सो फ्रेंड्स आज हम यहीं पे इसे ख़त्म करने वाले हैं, इसके पहले हम कुछ सॉल्व एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स आप यहाँ पे कुछ सॉल्व एग्जांपल्स देख सकते हैं, अगर आपको एल्गोरिथम एग्जाम में पूछा जाएगा तो फ्रेंड्स वो इसी तरह के सिंपल एल्गोरिथम से ही पूछेंगे,
और ना कि कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिथम्स पूछेंगे। और आप इसलिए आइडिया लगा ही सकते हैं कि छोटे सेट स्टेप्स में हमें एल्गोरिथम लिखने होते हैं और ना कि जो हमने बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च और सॉर्टिंग दिखा था इस तरह से। सो फ्रेंड्स हम यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट एल्गोरिथम है टू फाइंड वेदर गिवन नंबर इज प्राइम नंबर और नॉट। सो फ्रेंड्स पहला हमें एम यहाँ पे लिखना होगा कि प्राइम नंबर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होता है जो कि वन से और डिविजिबल होता है और खुद से डिविजिबल होता है, जिससे हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। एल्गोरिथम हम यहाँ पे सिक्स स्टेप्स में लिख रहे हैं। पहला इनपुट लेना होगा कोई जो नंबर होगा एन वो। इसके बाद में हमें देखना होगा कि एन इज लेस देन इक्वल टू वन तो फिर वो नंबर जो है वो नॉट प्राइम होगा और वहीं पे स्टॉप करना है। सो फ्रेंड्स अगर मैं बोल रही हूँ कि एन जो है वो लेस देन इक्वल टू वन है, इसका मतलब कि वो नेगेटिव है और प्राइम नंबर्स तो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। सो फ्रेंड्स अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है, समझ लीजिए कि यहाँ पे माइनस टू नंबर है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे ये प्राइम नंबर नहीं है तो डायरेक्टली हम स्टॉप करेंगे। अगर यहाँ पे फर्दर हम नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं कि अगर एन इक्वल टू टू है तो ये प्राइम नंबर होगा और ये स्टॉप हो जाएगा। और हम जो है एन इक्वल टू टू इसी को हम आई कह रहे हैं, तो हम इस तरह से रिपीट करवाएंगे प्रोसीजर्स को। रिपीटेशन के इसमें हम दो स्टेप्स ऐड कर रहे हैं। पहला तो डिवाइड एन बाय आई, आई यानी कि टू। अगर रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो एन इजंट प्राइम नंबर एंड स्टॉप। सो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे हम कोई भी नंबर ले लेते हैं फोर या फिर सिक्स या फिर एट, इस तरह से कोई भी नंबर्स लेते हैं, सो फ्रेंड्स ये सारे जो है वो टू से डिविजिबल हैं और जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जीरो आता है, यानी कि ये प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर्स हैं। सो फ्रेंड्स अगर टू से कुछ भी डिविजिबल होता है तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो एन है वो प्राइम नंबर नहीं है और हम वहाँ पे स्टॉप कर देंगे। या फिर अगर आई जो है वो प्राइम नंबर नहीं है तो हम उसे मतलब रिपीट करते रहेंगे और आई का जो वैल्यू हम इंक्रीमेंट करते रहेंगे जब तक हमारा आई जो है वो लेस देन इक्वल टू एन माइनस वन नहीं आता। और इसके बाद हमारे सारे कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद हम प्रोग्राम को स्टॉप कर देंगे। तो इस तरह से हम एल्गोरिथम लिखते हैं। सिमिलरली यहाँ पे सेकेंड एल्गोरिथम है कि हमें फाइंड करना है फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। तो इसके कुछ चार स्टेप्स में हमने एल्गोरिथम कंप्लीट किया है। पहला तो हमें इनपुट देना होगा, जो कुछ भी नंबर है वो n हमारा इनपुट होगा। सेकेंड है कि सेट प्रोडक्ट इक्वल टू वन एंड काउंट टू वन। इसके बाद हम लिखेंगे कि ये इफ देन स्टेटमेंट्स जो सारा है वो हम C++ में पढ़ते हैं। वाइल काउंट इज लेस देन इक्वल टू n, तब तक अगर हमारा काउंट जब तक लेस देन इक्वल टू n नहीं आता तब तक हम रिपीट कराते रहेंगे सारे प्रोसेस को। और प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय काउंट, यानी कि बेसिकली अगर मैं फोर फैक्टोरियल का लिखूँ, सो फ्रेंड्स फोर फिर थ्री फिर टू फिर वन। सो फ्रेंड्स ये होता है फोर फैक्टोरियल का फॉर्मूला जो हम मैथ्स में पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स फोर जो है वो हमने फोर थ्री टू वन, अगर हम यहाँ पे काउंट करें तो वन टू थ्री फोर, इस तरह से हमने काउंट के फोर जो काउंट है उसके हिसाब से उसमें हमने मल्टीप्लाई किया है। तो इस तरह से हम यहाँ पे सेम कर देंगे कि काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन। तो फोर फोर पहले वन से स्टार्ट करेंगे, फिर वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, इस तरह से हम काउंट को इंक्रीमेंट करते जाएंगे और इसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। इसलिए प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाई काउंट। तो यहाँ पे वन है तो वन मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट काउंट, फिर टू है सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड काउंट, इस तरह से हम प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। और प्रोडक्ट इज एक्चुअल फैक्टोरियल, और फिर ये जो पूरा मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो आंसर मिलेगा वही हमारा एक्चुअल फैक्टोरियल हो जाएगा और फिर हम प्रोसेस को प्रोग्राम को स्टॉप कर देंगे। सो फ्रेंड्स इस तरह से एल्गोरिथम हम लिखते हैं। बेसिकली आपको बस आइडिया होना चाहिए कि हम किस तरह से स्टेप वाइज इसे हम लिखते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं थर्ड एग्जांपल में दिया है कि हमें एल्गोरिथम लिखना है टू फाइंड फिबोनाची सीक्वेंस। और फ्रेंड्स ये फिबोनाची सीक्वेंस जो है वो हम हायर स्टडीज में मैथ्स में सीखते हैं और अभी नहीं सीखते हैं। बेसिकली इसका जो इसका बेस जो है वो यहाँ पे दिया है 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, इस तरह से ये जो सीक्वेंस है वो इनफाइनाइटली एक्सटेंड की जाती है। और फिबोनाची सीक्वेंस में इस तरह से हम पूरा इसे डिफाइन करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये फिबोनाची सीक्वेंस का किस तरह से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है। पहले हमें इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो समझना होता है, जो थोड़ा बहुत टीडियस हो सकता है, और इसलिए आप सिर्फ इसे पढ़ लीजिए और ये एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस फिबोनाची सीक्वेंस के बहुत कम चांसेस है। फर्दर हम इसका एल्गोरिथम देखते हैं कि किस तरह से पाँच स्टेप्स में हमने प्रोग्राम एनालिसिस जो है वो ये प्रॉब्लम था इसको हमने एनालाइज कराया, इसका कुछ सोल्यूशन हमने इस तरह से लिखा है एल्गोरिथम के फॉर्मेट में। तो अब देख सकते हैं हमने फाइव स्टेप्स में किस तरह से इसे फिबोनाची जो टर्म्स हैं वो सारे जनरेट किए हैं।
आप देख सकते हैं। इसके बाद जो फोर्थ एग्जाम्पल है वो है फ्लो चार्ट टू एक्सचेंज टू वेरिएबल्स, जिस तरह से हमने पहले एग्जाम्पल में देखा था उसी तरह से यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है जिसमें हम दो नंबर्स को एक्सचेंज करवा रहे हैं इन द फ्लो चार्ट। फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें दे रखा है कि हमें फ्लो चार्ट एक क्रिएट करना है जिसके अंदर हमें फाइंड करना है मैक्सिमम अमंग थ्री गिवन नंबर्स, और यहाँ पे गिवन नंबर्स है ए बी और सी। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम इस तरह से फ्लो चार्ट बनाते हैं, पहले स्टार्ट और स्टॉप के दो टर्मिनल्स हमने फिक्स कराए, इसके बाद में हमने पहले इनपुट लिया ए बी और सी। सो फ्रेंड्स हमें फाइंड आउट करना है कि ए बी सी में से सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसका है जो सबसे ग्रेटेस्ट है। सो फ्रेंड्स पहले हम यहाँ पे पहले करवाएंगे कि इस ए ग्रेटर देन बी, पहले हम ए और बी को कंपेयर करवा रहे हैं, और अगर ए ग्रेटर देन बी है और अगर ये सेटिस्फाई, ये दोनों को कंपेयर कराया ए ग्रेटर देन बी है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम अभी ए को सी के साथ फिर कंपेयर करवाएंगे, और अगर फिर से ये ऐसा आ रहा है तो यहाँ पे प्रिंट ए इज मैक्सिमम, हम ए को मैक्सिमम प्रिंट करवाएंगे। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे कि इस ए ग्रेटर देन बी, अगर यहाँ पे आंसर नो आ रहा है यानी कि ए जो है वो स्मॉल है बी से, सो फ्रेंड्स यहाँ पे नो में हम बी को सी से फिर कंपेयर करवाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हम सी को कंपेयर करवाते हैं, पहले तो हम कहते हैं कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो येस अगर आता है तो फ्रेंड्स हम ए को बी से कंपेयर करवाते हैं, येस आता है तो ए को सी से फिर कंपेयर करवाते हैं, तो ए हमारा मैक्सिमम होता है। अगर हम ये दोनों में से हम अगर कहें कि बी जो है वो लेस देन ए है, लेकिन ये फॉल्स है क्योंकि बी अगर ग्रेटर देन हमारा ए होगा तो यहाँ पे नो में आ जाएगा वो। फिर यहाँ पे डिसीजन बॉक्स में है कि बी इज़ ग्रेटर देन सी, फिर अगर ये नो होता है तो हमें सी जो है वो ही मैक्सिमम हुआ, तो यहाँ पे हमें सी को प्रिंट कराना है। अगर हम यहाँ पे अगर बी इज़ ग्रेटर देन सी आता है यानी कि बी का वैल्यू ग्रेटर है सी से, तो यहाँ पे बी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा अगर ये येस होगा तो। सो फ्रेंड्स इस तरह से ये चारों जो तीन टर्मिनल्स हैं वो हम इस तरह से एक कॉमन टर्मिनल इसका बनाएंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे स्टॉप। सारे जो मैक्सिमम है कोई भी नंबर्स ए बी सी में से प्रिंट कराने के बाद हम प्रोग्राम को स्टॉप करवाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे फोर्थ या फिर फिफ्थ एग्जांपल है जहाँ पे हमें फ्लो चार्ट बनाना है टू फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जिस तरह से हमने एवरेज का सम फाइंड आउट किया था, इसी तरह से इसका फ्लो चार्ट है और ये बहुत ही सिंपल है, आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आज का वीडियो हम यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, और उसका जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट टू, उसके अंदर हम ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, और वो जो वीडियो पार्ट टू है उसका लिंक आपको यही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।